दिवाली पर हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आए और हमारे घर को धन से भर दें। तो इस दिवाली को और भी शुभ बनाने के लिए सीखते हैं तीन वंडरफुल सीक्रेट्स अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और नए वीडियोस को लगातार देखने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी की लाइफ में पैसे की कमी चल रही होती है या फिर बिजनेस में लॉसेस हो रहे होते हैं तो वो पर्सन अक्सर बोलता है कि भाई मेरा वक्त अभी खराब चल रहा है। पर अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सही वक्त की नहीं बल्कि राइट माइंडसेट यानी कि सही सोच की जरूरत है और ये बात अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोलते हैं या फिर सुनते हैं जैसे कि पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है या पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसी बातें बोलकर या सुनकर पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने अपने बचपन में अपनी दादी जी को कहते हुए सुन लिया कि भाई जब से ज़्यादा पैसा आया है फूफा जी के तो बच्चे ही बिगड़ गए हैं, तो उस छोटी सी उम्र में उस पर्सन का ये बिलीव बन जाएगा कि ज़्यादा पैसा खराब है, तो वो बच्चा लाइफ टाइम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं थ्री सीक्रेट्स। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में बार बार बोलते हैं या सुनते हैं वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, रोज बोलिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम बिकमिंग रिच, मनी इज कमिंग इजिली टू मी, कि पैसा हमेशा मेरे पास आसानी से आ रहा है। पैसे को बिल्कुल एक हवा की तरह महसूस कीजिए जो हवा आपके पास बिना किसी शर्त के 24 घंटे आराम से उपलब्ध है। और उस इन अफर्मेशंस को बोलते हुए हमेशा इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि पैसा आपके पास आसानी से आ रहा है और उस पैसे को आने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस फीलिंग्स को भी अपने अंदर बढ़ाइए कि पैसा आ रहा है, उस पैसे से आप क्या-क्या चीजें खरीदेंगे, आपको कैसा महसूस होगा, आपकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आएंगे। सीक्रेट नंबर 2, अपने बिल्स को पे करते हुए या कोई भी खर्चा करते हुए उसे बर्डन की तरह ना लें और उसे खुशी के साथ पे करें। उन बिल्स को पे करते हुए हमेशा याद रखें कि आपने उन बिल्स के अगेंस्ट में कुछ फैसिलिटीज को इंजॉय किया है। तो जब भी आप कहीं पर कोई भी पेमेंट करते हैं तब हमेशा विजुअलाइज करें कि जो पैसा आपके पास से जा रहा है वही पैसा मल्टीप्लाई होकर यानी कि कहीं गुना बढ़कर आपके पास तेजी से वापस आ रहा है। सीक्रेट नंबर 3, जब भी आपके आसपास लोग पैसा कमा रहे हों तो उनके लिए खुश होइए, उन्हें ब्लेस कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी के लिए जेलसी क्रिएट करते हैं तो आप अपने अंदर एक नेगेटिव इमोशन को क्रिएट करते हैं और ये नेगेटिव इमोशन आपके और आपके पैसे के बीच में एक बैरियर को क्रिएट करता है जो आपके पास पैसे को आने नहीं देता। एंड लास्ट, हमेशा जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया कीजिए और अपने पैसे को अपनी लाइफ में खूब अट्रैक्ट कीजिए। हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। थैंक यू सो मच।